Super war der. Yeah. Sehr gut, ja. Ah, ich lache, wieder. Super, man. Super. Happy birthday, Director. Thank you so much. I think बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट है. आई थिंक ये सरप्राइज तो नहीं था एग्जैक्टली, बट इट्स वेरी नाइस. थैंक्स फॉर माय नाइसली लॉस ऑफ वर्ड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक प्रतीक पहले दिन से इसमें इसका हिस्सा रहा है. आई थिंक राइट फ्रॉम द इंसेप्शन हमने जब शुरुआत की थी इसकी, इट्स बीन अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई थिंक विदाउट प्रतीक ये पॉसिबल नहीं होता. सो थैंक यू. एंड राइट देयर हाइडिंग देयर योर वाइफ, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. इट इज़ वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आई थिंक पूरी टीम है. आई थिंक स्मृति जो अमेजिंग हमारी डायरेक्शन टीम में रही है, पूजा पूजा इज बेसिकली जिसने मुझे आइडिया दिया, इंस्पिरेशन की ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बनाए. तो थैंक यू सो मच. एंड बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बहुत बड़ी टीम रही है हमारी. बड़ी मतलब इतनी बड़ी इन टर्म्स ऑफ नंबर नहीं, बट टैलेंट जो और पैशन जो लेकर आए वो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग. सो वी आर होपिंग कि जब ये रिलीज होगी आप लोग सब भी देखेंगे. एंड आई थिंक प्रतीक को पता है बेस्ट इसे कब रिलीज करनी है. सो होपफुली वी विल हैव अ गुड सूटेबल डे वेरी सून एंड यू गाइस विल गेट टू वॉच इट. सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू पीपल. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे सर. अरविंद इतना जो मुझे प्यार लगता है, मुझे बहुत अनबिलीवेबल लगता है कि मुझे सिर्फ 12 साल मुझे इतना प्यार है. सो मैंने बहुत कम काम किया, बट मैं कोशिश की जब भी जो भी काम करूँ वो अच्छा हो, जिससे मैं बहुत एक्साइटेड हो गया. सो मेरी हमेशा वो कोशिश रहती है और उम्मीद है कि आगे भी जाना. थैंक यू. जी वो मैं बोलता नहीं हूँ. आई थिंक आई एम स्टिल स्वीट 16 यार. नहीं आई थिंक जोक से पार्ट. आई थिंक हाँ मतलब 30 प्लस 16 से थोड़ा डबल ही है. थोड़ा डबल से थोड़ा ज़्यादा. नहीं मैं अभी भी एक्टर ही हूँ. मैं एक्टर ही हूँ और आई थिंक मैं एक्टर रहना ही पसंद करूँगा. ये एक्चुअली मैं बीच में बहुत बोर हो रहा था क्योंकि आई थिंक नहीं मतलब अभी तो फिलहाल मैं आई थिंक एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अनलेस मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिमाग में आए. बट अभी तो आई एम जस्ट टेकिंग आराम से एंजॉइंग माई शो. इनकेस अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है देन आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट. बट आई थिंक बी अ डायरेक्टर इज नॉट ईजी एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. जब इन्होंने मुझे पहले मेरी फिल्म में डायरेक्ट किया था तो हम लोग बहुत हंसते थे यार ये जब शॉट लेते थे. बट हैट्स ऑफ टू हिम यार, वो बहुत मुश्किल है पूरी टीम को लेके आगे जाना एंड हर एक शॉट को पहले से प्री प्लान करना और फिर शूट करना और फिर वो रिजल्ट लेके आना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो आई डोंट नो शरद ने कुछ सीखा भी होगा मुझसे तो यू नो ही इज एक्चुअली इतनी अच्छी तरह से डायरेक्ट करेगा. ये मैं समझती अपनी तारीफ. मैं सोचा नहीं था पर हैट्स ऑफ. एक स्टोरी पे इसका इट्स गुड कंट्रोल है. डायरेक्शन शॉट टेकिंग सब मतलब प्लान जाते हैं. प्लान के हिसाब से तो कुछ होता नहीं है लेकिन प्लान जाते हैं और कंप्लीट किया दो दिन में. ये पूरा ढाई दिन में कंप्लीट किया. ये मींस आई एम प्राउड ऑफ हिम. सर कोई भी मूवी हो या शॉर्ट फिल्म हो, रियल हीरो तो डायरेक्टर ही होता था. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा डायरेक्शन का और ये आइडिया कहाँ से आया? आई थिंक मुझे एक्चुअली मैं बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्शन में. बट आई थिंक हम लोग इतनी फिल्में देखते हैं, हम लोग इतने हम लोग काम करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमें शॉर्ट टेकिंग्स थोड़ी बहुत समझ में आ जाती हैं. ज़्यादा तो नहीं आती बट थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है. एंड देन आई थिंक देन यू जस्ट वॉन्ट टू गो एंड एक्सप्लोर कि आप क्या करेंगे. आप डेली सोप कर रहे हैं, दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं. सो यू वॉन्ट टू डू समथिंग मोर इन लाइफ. सो आई थिंक मुझे लगा कि जब मुझे पूजा ने बहुत इंटरेस्टिंग मुझे वन लाइन दिया था कि एक ऐसा रियल स्टोरी ऐसी जो हुई थी, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर हम काम करें. एंड बस आई थिंक तब का दिन है. और स्टोरी अब मत बोलना. नहीं हम स्टोरी तो नहीं बोलेंगे बट इट्स अ रियल स्टोरी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्साइटिंग स्टोरी. और आई थिंक जब प्रतीक जैसा कोई आई थिंक इंसान हो जिसके ऑब्वियसली इतना नॉलेज है आई थिंक अबाउट सिनेमा एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. यू नो आप मैं खुद भी इसे प्रोड्यूस कर सकता था बट यू नो व्हेन यू हैव समबडी, व्हेन यू हैव द काइंड ऑफ यू नो गुड बैगेज ही ब्रिंग्स विद द एंटायर स्टोरी और पूरे जो ये बैकिंग करते हैं बहुत ही आपको ये कंफर्टेबल कर देते हैं इन योर स्पेस. सो वो बहुत कम होता है आजकल. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम अच्छे दोस्त हैं बट एक चीज़ है आई थिंक काम के टाइम हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं. स्टोरी नंबर वन था. सो स्टोरी इज व्हाट गॉट मी ऑन बोर्ड. मतलब उसी ने मुझे आकर्षित की एंड हैट्स ऑफ फॉर हिम टू एग्जीक्यूट इट सो वेल. जैसे
ट्रू स्टोरी है, थोड़ी बहुत मुझे रिसर्च करनी पड़ी, मेरी राइटर्स हैं एक दो, आई थिंक बहुत अच्छे हैं, ट्रू स्टोरी पे आधारित है लेकिन है पूरा फिक्शन, फिक्शन हाँ। देखिए थोड़ा बहुत तो हमें जो है कैरेक्टर स्केच करना पड़ता है, प्लस हमें जो राइटर्स के बैठ के बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, तो वो सब तो हमें करना, आई थिंक मुझे कुछ महीना डेढ़ महीना लगा पूरा सब कुछ रेडी, फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी करने में। उसके मैंने फिर प्रतीक को भेजा, उसमें हमें कुछ ऑल्टरेशंस किए, मतलब कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें जो हमने कहा की, तो आई थिंक एक ओवरऑल एक जो टीम एफर्ट है, हाँ आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट कोलेबोरेशन, बिकॉज कहानी ऐसी है कि आपको कहीं भी आपको कोई आप एक लूप होल नहीं छोड़ सकते आप, सो आई थिंक वो हमें बहुत जरूरी करना था एंड लकली हमने किया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई लव एक्टिंग, आई मीन एक्टिंग इज समथिंग आई कैन नॉट इवन आई कैन नॉट थिंक एनी थिंग अबाउट एक्टिंग, बट देन डायरेक्शन ऑब्वियसली सी बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द इंटायर, इज लाइक दिस ब्यूटिफुल सिनेमा इज सो you know it just attracts you all the time and then you want to do something more than acting also, so maybe direction or maybe editing or maybe just doing something with it, so that's my idea. So what do you learn from direction line, like jo aapko acting mein patience yaar, patience, I think you need a lot of patience especially with the actors, so now I understand what my directors go through, a lot of mujhe aashirwad mil gaya hai, so I think film achhi hogi definitely. Thank you Ishtiyaq ji and Gurshali, I love you people a lot. Or I think it's about understanding that आपके साथ पूरी एक टीम है, आपके साथ पूरी एक टीम है, और इश्तियाक जी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, जी मैं बहुत जल्दी आपको आपसे मिलने वाला हूँ, और आई थिंक पूरी टीम को लेके साथ चलना, बिकॉज एज एन एक्टर आप इंडिविजुअली आगे जा रहे हैं, बट एज अ डायरेक्टर आई थिंक पूरी टीम लेके आगे जाते हैं, जो मैंने इनसे सीखी है वो बात। जी बहुत सारी मेमोरीज हैं यार, हाँ आई थिंक सबसे स्पेशल तो आई थिंक ये है यार, मेरे बिल्कुल पीछे है, आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट्स हैपेंड, आई थिंक जो लव यहाँ पे हुआ था, आई थिंक वो सिडनी से, आई थिंक वो अमैया अपार्टमेंट से आ चुके, आई थिंक वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका है, एंड आई थिंक वो अच्छी बात है, बिकॉज यू नो इट्स बियॉन्ड वर्क, जो बहुत ज़रूरी है, वो काम के जो हम लोग हट के हम लोग जो मिलते हैं, जो वहाँ फिर हम लोग फिर काम की बात नहीं करते हैं, तो विच इज़ वेरी नाइस। यार मुझे सिर्फ 12 साल हुए हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है, अरे इधर आओ यार, कहाँ छुप के खड़े हुए हो आप, इधर आओ, हाँ कितने साल हो गए बताओ यार, मुश्किल से तो 12 साल हुए हैं अभी, खाली 12 साल और इसको कितने साल हुए, अभी तो सोचो, अभी तो मतलब मेरे दांत भी नहीं निकले, मतलब दूध के दांत निकले हैं, फूटे ही नहीं है, हाँ निकले क्या, फूटे ही नहीं, ये देखो किसके लिए, माय मॉम एंड डैड, एब्सोल्युटली, मतलब और कोई नहीं है, मॉम डैडी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक्टर देखना पसंद करूँगा एंड डायरेक्टर काफ़ी अच्छा है एंड आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ हिज वर्क, बट एक्टिंग इज समथिंग वो नेचुरली आता है एंड ही इज वेरी गुड, तो थैंक यू सो मच। जी आई थिंक जितने भी फैंस हैं, आई थिंक मुझे सच बताऊं तो मुझे हर साल वो जो प्यार है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, और पिछले साल मुझे 100 मैसेज आए थे, इस साल मुझे कुछ 200-250 मैसेज आए, इतने मेल्स आए हैं, तो आई थिंक इट जस्ट कीप्स ग्रोइंग एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी बात भी करते हैं दैट यू नो दैट इतना जो प्यार मिलता है इट्स अनबिलीवेबल, बिकॉज आप बाहर से आते हैं किसी और दूसरे शहर से और आके ऐसी फैमिली बन जाती है, मैं आपको आप लोगों से मैं कितना मिलता हूँ, घर पे मिलता हूँ, गणपति के टाइम पे मिलता हूँ, कितने नए चेहरे मुझे दिख रहे हैं, सो आई थिंक इट बिकम्स अ फैमिली, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैमिली को साथ लेके चलें, तो ऐसा नहीं कि जब मैं काम नहीं कर रहा तो मैं आप लोग भूल जाऊँगा या फिर आप लोग मुझे भूल जाएँ, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम दोनों साथ में चलें, सो दैट समथिंग विच आई मेंटेन फॉर सो मेनी इयर्स एंड उम्मीद है कि आगे भी हो। कम यार छोड़ो, वाई यू सो क्वाइट है यार, कम यार, शी इज़ टोल्ड शी इज़ इंस्पिरेशन। हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट लाइक आपने इतना इंस्पायर किया सबको डायरेक्टर बनने के लिए, तो हाउ डज यू फील कि उन्होंने कितना अपना काम अच्छे से निभाया? प्लीज डू नॉट रिग्रेट दैट, नो ऑफ कोर्स रिग्रेट नहीं करती हूं मैं, एक्चुअली आई जस्ट शेयर्ड दिस आईडिया अबाउट हिम, सॉरी अबाउट द फिल्म एंड ही रियली लाइक्ड इट, तो वी थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग, और वो बहुत टाइम से ही वाज प्लानिंग बिकॉज ही डिड इट हिज कोर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एंड ऑल, सो ही वाज वेरी कीन इन स्टार्टिंग समथिंग लाइक दैट, so usko wo idea strike hua and he thought that he should start something and all I did was inspiring him all the way, but I think it's very important to actually I mean the inception jaise start hota hai wo germ bahut zaruri hai, to wo find that idea is important, yeah
प्लीज नहीं एज अ प्रोड्यूसर आई सी हर यू नो एक प्रोड्यूसर बनने की क्षमता रखती है अच्छे आइडिया समझ सकती है सो यू नो और ये बोलने के लिए मुझे बाद में पैसे भी दे रही है बट थैंक यू फॉर द आइडिया एक्चुअली जो बन के आया है इट्स रियली गुड एंड आई एम श्योर कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है शरद ने एंड एक्चुअली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अच्छा मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बट आई थिंक जब आप करते हैं किसी चीज़ को बहुत ही दिल से तो आई थिंक वो अच्छा या बुरा वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको टच करता है एज अ व्यूअर ऑल्सो एज अ मेकर ऑल्सो हाँ तो आई थिंक हमें तो ऑब्वियसली अपना अपना बच्चा बहुत अच्छा लगेगा बट इट्स ऑल अबाउट यू गाइस आल्सो वॉचिंग इट एंड देन डिसाइडिंग सो अच्छा है बोलना भाई है ना ए सबको अच्छे खाना पिला हाँ जी आई डोंट नो दैट ही हैज टू आंसर बट We are actually talking to certain platforms to take the thing, but soon it will be maybe by February, March is something I'm looking at. So yeah, please do watch it. Please give it likes and give your true opinion. That's what matters. You know that will help us create more ideas that you guys like. And if you don't like, also I'm going to make more ideas. So don't worry about that. थोड़ा डायरेक्शन से ब्रेक ले एक्टिंग करे एंड देन कम बैक टू दिस थिंग बहुत एक्टिंग अभी एक्टिंग का कीड़ा खत्म नहीं हुआ है अरे वो तो कभी भी खत्म नहीं होगा बट वो तो लाइफ में कभी खत्म नहीं होगा बट ठीक है कभी बीच बीच में यू नो जस्ट टू टेक अ ब्रेक आप कुछ और कर सकते हैं व्हिच इज नाइस टू ट्राई हमने इन लोग से भी पूछा आपसे भी जानना चाहेंगे कि शरद को आप एज अ एक्टर देखना पसंद करेंगे आगे की डायरेक्टर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन I think I would like to see him as an actor first, and because direction is koi aisa nahi hai ki he wants to do that. It's hobby hai wo. So whenever he gets time, he wants to do something. But acting is first passion hai uska. So I think I want to see him act more than direction. Okay, so lastly, any special wish you want to give to Shah? All I want to say, happy birthday to him, and thank you. I hope wo jo bhi wo jo bhi wish kare wo sab pura ho, and happiness to him. That's all. विजुअल ले लेते हम लोग बोला है
सब यस सर, तो भाई सबका रोलिंग है भाई, बोल दो सर। अकेले रहने वाले आपकी नाम आपका पसंद आप।